मुंबई की शहनाज खान को नासिक में कई विशिष्ट अतिथियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हां, आपको बता दें कि बेबाक और निडर सोशल वर्कर व बीजेपी नेता और शहनाज नर्सरी के ऑनर शहनाज खान को रविवार 30 जून 2024 के दिन अखिल भारतीय मारवाड़ी गुजरात मंच पर कई महानुभाव अतिथियों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नासिक स्थित दादा साहेब गायकवाड़ सभागृह में सम्मानित किया गया, जहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अजीत हुकुमचंद बागमार, समाज सेवी गणपत मनोज कोठारी, विश्व गुरु भारत फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर एस जे शांडिल्य सहित तमाम महानुभावों की उपस्थिति बेहद खास रही। आपको बता दें कि अब तक शहनाज खान के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सराहनीय बताते हुए बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल और सामाजिक स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान देकर शहनाज खान को जनमानस की जिम्मेदारियों के प्रति और भी प्रेरित किया है। शहनाज खान का एक ही मानना है कि आम जनमानस के बीच रहकर उनकी हर मुश्किल परिस्थितियों में हर संभव मदद करना ही उनके जीवन का पहला दायित्व है, जिसे शहनाज खान निभाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। यही कारण है कि उन्हें लगातार किसी न किसी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। शहनाज खान की बढ़ती लोकप्रियता से उनके चाहने वाले काफी प्रभावित हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच च्या वतीने हा पुरस्कार सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला। समाजातील चळवळीमध्ये काम करणारे प्रत्येक कार्यकर्त्याची दखल घेणे हे अजित बागमारांचं स्तुत्य उपक्रम आहे। त्यांच्या कार्याला मनपूर्वक शुभेच्छा। निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान यहाँ पे हुआ, पुरुष लोगों का ही सम्मान यहाँ पे हुआ, लेकिन महिलाओं ने जिस तरह से काम समाज स्तर पे किया है उसका सम्मान करना उचित है, जरूरी है। अजित बागमार ने वो किया है, निश्चित रूप से उनको शुभकामनाएं। संस्थाएं कार्यक्रम करना चाहती है, कार्यक्रम करना है पैसा लगता है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, मगर आज सब लोगों ने बता दिया आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ है। आज पूरे मुंबई, दिल्ली, भोपाल कहाँ से नहीं आए, ये खुशी देखेंगे। 65 उम्र में भी मुझे आज उत्साह आ रहा है कि आज शहनाज जी हुसैन मैडम यहाँ पधारे, गणपत जी कोठारी पधारे, बहुत बिग बॉस सब आए, सबका पुरस्कार हम सबका जिनको पुरस्कार दिया उनका सम्मान हमने किया है। हमने उनका सम्मान नहीं किया, उन्होंने जो कार्य किया है उनको हमने आशीर्वाद दिया हमारे संस्था ने, और यही आशीर्वाद से अच्छा काम करेंगे। और जो काम करेंगे, छोटा करो बड़ा करो, काम करना चाहिए। घर वाले का काम और घर वाले का काम तो सब करते, मगर समाज का काम करना, घर को संभाल के करना बहुत कठिन है। बहुत से घर वाले बोलती है कि समाज काम करना तो शादी काय को की, संन्यास क्यों नहीं लिया, मगर अभी वो संन्यास भी नहीं ले सकते। इसलिए ज़्यादा में ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए सबको प्रेरणा में, और सबने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं मान्य करता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा जितने यहाँ आए सब बहुत 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 काम करने वाले हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय मारवाड़ी गुजराती मंच की तरफ से आज डॉक्टर वाघमार साहब ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। समाज के लिए, देश के लिए काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और जोरों से काम करें। और ये इन्होंने जो काम किया निस्वार्थ भाव से किया है और अच्छे अच्छे लोगों को चुन के आज इनको पुरस्कार दिया है। तो मैं डॉक्टर अजीत वाघमार साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप समाज में इसी तरह लोगों को आगे बढ़ाते रहे, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, उत्साह आता है। पुनः एक बार डॉक्टर अजीत वाघमार साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, मुझे नासिक में बुला के वाघमारे सर ने जो मान सम्मान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वाघमारे सर के तो क्या कहने हैं, उनके हर एक अवार्ड्स का लोगों के लिए बहुत ही एक प्रेरणा मिलती है, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।